स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन बेटा परचेज बुक बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? परचेज बुक। ठीक है, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है वो अपन पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन घनश्याम्स परचेज बुक। आप किसकी बुक के अंदर एंट्री करने वाले हैं? घनश्याम की। ठीक है, मीन्स यू आर घनश्याम। ये सोचो कि आप ओनर हो, आपको बिजनेस में ट्रांजेक्शन लिखना है। ओके, सो ट्रांजेक्शन फर्स्ट डेट पे होता है, 1 जनवरी 2017 को परचेज गुड्स वर्थ ₹800 फ्रॉम ज्ञान। अपन ने किससे गुड्स परचेज करें? ज्ञान से परचेज करें। कितने रुपए के करें? तो ₹800 के करें। तो दैट्स इट, अपन इसकी एंट्री करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब भी हम परचेज बुक बनाते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट वुड बी लाइक दैट कि आप यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेंगे। देयर वुड बी अ हेडिंग, एक हेडिंग होगी, मीन्स परचेज बुक ऑफ, क्या नाम दे रखा है उन्होंने? घनश्याम। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं परचेज बुक्स ऑफ घनश्याम। अगर घनश्याम लिमिटेड दे रखा है तो घनश्याम लिमिटेड लिख देंगे। नेक्स्ट वुड भी कि जैसे हमने परचेज बुक सुना तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, क्या? कि जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगा प्लस जो भी ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड? परचेज ऑफ गुड्स इन विच वी आर डीलिंग, प्लस अगर वो क्रेडिट में होता है तभी अपन यहाँ पे लिखने वाले, अदरवाइज नहीं लिखने वाले। कोई दूसरा ट्रांजेक्शन भी दे दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन ने अपन को फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि 1 जनवरी को परचेज गुड्स वर्थ ₹800 फ्रॉम ज्ञान। तो सबसे पहले आप कॉलम देख लीजिए, इस कॉलम बोलता है डेट का, जिसमें ट्रांजेक्शन किस डेट पे हुआ वो लिखेंगे। पर्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन होगा जो भी ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट वुड बी और इनवॉइस नंबर, अगर आपको दे रखा है जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका इनवॉइस क्या है। लेजर फोलियो, कहाँ पर अपन ने एंट्री करी है, प्लस डिटेल्स। तो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, डिटेल्स के अंदर आप अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है। और पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का क्या टोटल होगा, इट वुड बी रिकॉर्डेड हियर। जैसे अगर मान लो एक पर्सन से अपन ने 3 टाइप के गुड्स परचेज किए, मान लो राम है, राम से अपन ने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, रबड़ खरीदा, तो अपन लिख देंगे पेन, पेंसिल, रबड़। पेन कितने रुपये के खरीदे? अच्छा 400 के। पेंसिल कितने की खरीदी? 300। और रबड़ कितने के खरीदे? 200। तो 400, 300, 200 सब तो अपन क्या कर देंगे, प्लस करके नेट अमाउंट लिख देंगे 900। मतलब पूरा के पूरा अपन ने जो एक पर्टिकुलर पर्सन से ट्रांजेक्शन किया उसका नेट अमाउंट बाहर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपन लिखते हैं, तो ट्रांजेक्शन फर्स्ट है कि 1 जनवरी को हमने गुड्स को परचेस किया ₹800 के ज्ञान से। अब ज्ञान से परचेस किया है, नाम दे रखा है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन तो डेफिनेटली कायम में होगा, क्रेडिट में होगा, है ना। तो अपन डेट लिख देते हैं 1 जनवरी 2017। ठीक है, पर्टिकुलर में लिख देते हैं परचेज गुड्स, क्या लिख देंगे? परचेज गुड्स। ठीक है, और किससे परचेज? अरे मैंने ऊपर स्पेस नहीं छोड़ी नाम के लिए। ठीक है, तो अपन ने नाम के लिए स्पेस नहीं छोड़ी, आप लोग लिख देना ज्ञान। ज्ञान सिर्फ ज्ञान नाम दे रखा है ना, तो जैसे ज्ञान लिमिटेड होता है तो अपन क्या लिख देते हैं? ज्ञान लिमिटेड। यहाँ पे सिर्फ नाम क्या दे रखा है? ज्ञान। में स्पेस नहीं छोड़ी है बेटा, आप लोग पहले लिखेंगे ज्ञान परचेज गुड्स। अब यहाँ पे नाम भी नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं ज्ञान से। इनवॉइस नंबर दे रखा है क्या? नो। लेजर फोलियो नंबर है? नहीं। अगर होता तो लिख देते। अब डिटेल्स में लिखते हैं, अपन ने कितने रुपये के गुड्स परचेज किए? 800। कितने के करे? 800। कोई इंटरनल कैलकुलेशन तो है नहीं, तो डायरेक्टली नेट अमाउंट हमारा कितना बच जाएगा? 800। इट वुड बी आवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा डन होता है। सेकंड ट्रांजेक्शन हमको ये बोलता है कि हमने क्या करा है, परचेज कैश फ्रॉम, परचेज्ड फॉर कैश, मतलब हमने कैश में गुड्स को परचेज किया है। तो अपन ने देखा कि हमने गुड्स को, ब्लर हो गया, हमने देखा कि हमने गुड्स को परचेज किया गोपाल से। ठीक है, 5 पैकेट्स ऑफ पेन, परचेज फॉर कैश, मतलब कैश में परचेज किया पहली चीज़। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, कैश में परचेज किया, क्या क्रेडिट की बुक्स में आएगा क्या? डेफिनेटली नहीं आएगा। ये कौन सी बुक में जाने की एंट्री है? कैश बुक में। पर अपन समझ लेते हैं कि होगा क्या इस एंट्री में। तो परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपाल 5 पैकेट्स ऑफ पेन, हमने 5 पेन के पैकेट खरीदे एट द रेट ऑफ ₹50 पर पैकेट, और एक पैकेट कितने रुपये का है? 5 रुपीज़ का। तो अपन को पता पड़ गया कि अच्छा 5 पैकेट्स परचेज किए, यानी कि ₹250 का हमारे पास से कैश गया है। तो इसकी एंट्री अपन करेंगे कौन सी बुक में? कैश बुक में। मतलब हमको इसमें यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट बोल रहा है 19 जनवरी को परचेज गुड्स वर्थ ₹700 फ्रॉम गणेश। अपन ने गणेश से परचेज किया, तो अपन सबसे पहले डेट लिख लेते हैं 19 जनवरी 2017, और यहाँ पे लिख लेते हैं गणेश। क्या लिख लेते हैं? गणेश। अब गणेश लिमिटेड तो है नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं गणेश से। ठीक है, हमने क्या परचेज किया, उसका नाम दे रखा है क्या? नहीं। तो गणेश से अपन ने क्या कर रखे हैं? गुड्स ही नॉर्मल परचेज कर रखे। अगर गुड्स का नाम देते तो अपन वो लिख देते। तो कितने रुपये के गुड्स हमने परचेज किए? 700। तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 700। ठीक है, तो अब अपन को पता पड़ गया कि अच्छा हमने टोटल परचेज किया। तो अपन लिख देंगे टोटल ऑफ परचेज बुक। क्या लिख देंगे? टोटल ऑफ
परचेज बुक, एंड में अब अपने पास तो और कुछ बचा ही नहीं है ट्रांजेक्शन में, तो अपन टोटल ऑफ परचेज बुक कितनी लिख देते हैं बेटा, 800 प्लस 700 मतलब 1500, कितनी हो जाती है मेरे पास 1500, इट वुड बी द लाइक दैट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा लेट सी द क्वेश्चन नंबर टू, अब हमारी बुक का देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज बुक ऑफ प्रफुल्ल ब्रदर्स। ठीक है, अब अपन को ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं तो अपन फटाफट से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है तो परचेज बुक बना रहे हैं अपन। ठीक है, परचेज बुक, अब मैं आपको इसमें बता दूंगी क्वेश्चन में कैसे ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन जो अगला होगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप ये होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, परचेज बुक ऑफ प्रफुल्ल लिमिटेड। ठीक है, प्रफुल्ल लिमिटेड शायद लिमिटेड नहीं, ब्रदर्स है तो ब्रदर्स लिख देते हैं, जो भी दे रखा है वो अपन लिख सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग्स डाल लेते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाती है हमारे पास, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है हमारे पास डेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पर्टिकुलर, जिसमें अपन डिटेल लिखने वाले हैं। देन वी हैव इनवॉइस, फिर लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, देन नेट अमाउंट। ठीक है, मतलब डिटेल्स लिखते हैं अमाउंट के बारे में, फिर नेट अमाउंट लिखते हैं। अब ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन, 1 अगस्त 2017 को परचेज फ्रॉम प्रखर कुमार। ठीक है, हमने प्रखर कुमार से क्या करा है, परचेज किया है एंड कंपनी शर्ट पीसेस 10 एट द कॉस्ट ऑफ ₹70 पर पीस। मतलब अपन ने 10 पीस परचेज किए और एक जो पीस है उसकी वैल्यू कितनी ₹75, बट नाउ देर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹10। तब अपन लिखते हैं कि अच्छा हमने ट्रांजेक्शन किया है, तो हमने सबसे पहले डेट लिख लेते, तो लिख लेते हैं 5 अगस्त 2017, ये लिख लिया, परचेज फ्रॉम प्रखर कुमार एंड कंपनी। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिटेल किसकी जा रही है बेटा, तो ये थोड़ा सा लंबा बनाना, इनवॉइस का कॉलम थोड़ा सा छोटा बनाना, मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, स्पेस कम गिरेगा। प्रखर कुमार, ठीक है, प्रखर कुमार एंड कंपनी, तो लिख देते हैं प्रखर कुमार एंड कंपनी, दैट्स इट। अब अपन ने इससे क्या करा है, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन किया है, क्या करा है अपन ने, शर्ट परचेज किया, तो 10 शर्ट पीसेस लिख देते हैं, 10 शर्ट पीसेस एट द रेट ऑफ ₹70 पर पीस। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 10 पीसेस जो हैं वो परचेस करे हैं और एक पीस जो हमारा है वो कितने रुपए का पड़ रहा है, ₹70 का। तो अपन को पता पड़ जाता है कि अच्छा 10 पीसेस परचेस किए तो टोटल हमारे को कितने रुपए देने पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को, तो हमको टोटल रुपए देने पड़ेंगे उस इंसान को 10 मल्टीप्लाई बाय 70 वुड अल्टीमेटली गिव यू, मैं आपको ब्रैकेट में आपकी कैलकुलेशन के लिए लिख रही हूँ, तो आप लोगों को पता पड़ जाता है कि हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 700, कितने रुपए देने पड़ेंगे 700, मैंने एक जीरो गलती से लगा दिया। अब इस 700 देने तो पड़ेंगे, बट इसमें से हमारे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो लिख देते हैं लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे पास कितने परसेंट का है, 10% का। तो ये देखो हमेशा जो परचेज होता है उसके ऊपर निकलता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 700 का 10% कितना होता है बेटा, ₹70, कितना होता है ₹70। तो अब अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे ₹70 माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो अमाउंट निकल के आता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, वो हमारे पास कितना आता है, ₹630, कितना आता है, ₹630। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा ट्रांजेक्शन, फर्स्ट नंबर का जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो इस तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट। नाउ लेट सी सेकेंड ट्रांजेक्शन। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है परचेज 10th of September को परचेज फ्रॉम अशोक एंड ब्रदर्स 15 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹200 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो अपन कॉमन सेंस लगाते हैं और फटाफट से लिखते हैं, तो सबसे पहले डेट देख लो, तो डेट हमको क्या बोल रखी है, 10th of September, तो लिख देते हैं 10th of September 2017 को। तो हमने किससे परचेज किया, सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिखेंगे, तो ये एक तरीके से ब्लॉक बन गया कि अच्छा अशोक कुमार एंड कंपनी, नहीं अशोक एंड ब्रदर्स है, तो अशोक एंड ब्रदर्स से अपन ने परचेज किया, क्या परचेज किया अपन ने, 15 साड़ी एट द रेट ऑफ ₹200 पर साड़ी। तो लिख देते हैं 15 साड़ीज, ठीक है, साड़ी परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। ईच लिखना ज़रूरी है, वरना अपन को पता कैसे पड़ेगा कि एक कितने रुपए की है, या ईच लिखो या पर लिखो, तो अपन को पता पड़ गया अच्छा कि 15 मल्टीप्लाई बाय 200, मतलब अपन को शॉपकीपर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 00 लगा देते हैं, 15 2 30 होता है, तो अपन को पता पड़ जाता है कि ₹3000 हो जाते हैं, कितने रुपए हो जाते हैं हमारे पास, ₹3000 हो जाते हैं, दैट्स इट। अब अपन ने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो अब अपन लिख देते हैं छोटा सा लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10% का। तो अब कैलकुलेट करते हैं 3000 का 10% कितना होता है, 300, तो ट्रेड डिस्काउंट अपन ने क्या कर दिया, माइनस, तो अल्टीमेटली 2700 की हमारी क्या हो जाएगी,
परचेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, परचेज 20 बेडशीट फ्रॉम क्लोथ कॉरपोरेशन एट द रेट ऑफ रुपीज 80। अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो डेट के कॉलम में डेट हमारे पास कौन सी है बेटा, तो 20th November 2017, ये लीज डेट को अपन ने ट्रांजेक्शन किया, तो किससे ट्रांजेक्शन किया है अपन ने, अपन ने क्या है क्लॉथ कॉरपोरेशन, तो अपन लिख देते हैं हेडिंग में क्लोथ कॉरपोरेशन, क्लोथ कॉरपोरेशन से किया है, ठीक है, क्लोथ कॉरपोरेशन से क्या करा अपन ने, 20 बेडशीट लिए, तो लिख देते हैं 20 बेडशीट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 80 ईच, एट द रेट ऑफ रुपीज 80 ईच, मतलब अपन को कितने रुपए मिल जाएंगे यहाँ पे, 1600 रुपए, कितने रुपए मिल जाएंगे, 1600 रुपए, ठीक है, ये तो पता पड़ गया होगा ना कैसे आया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 80 तो अपन को बनता है 1600। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो लिख देते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, ठीक है, तो 10% का यानी कि 1600 का 10% कितना हो जाता है 160, तो इधर करा सीधे सीधे तो 40 आ जाएगा, 16 एक 15 और एक 14 1440 कितना हो जाता है 1440, ठीक है बेटा। एक गलती हो गई क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या कर दिया, 70 नहीं है 75 रुपीज़ है, कैसे है 75 रुपीज़, और मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख लीजिए 75 रुपीज़ पर पीस है, ठीक है, तो ये आप लोग ने तो वैसे सही कर ही लिया होगा बट मैं बता देती हूँ, 75 रुपीज़ है तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 750, यहाँ पे हो जाएगा 750, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास टैक्स कट जाएगा टीडीएस नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट 75 रुपये का कट जाएगा, तो यहाँ पे ये जो रुपए हैं इसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो चेंज जो आता है वो मैं लिख देती हूँ अमाउंट, तो रुपए हो जाते हैं हमारे पास 675। ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये गलती आपसे वैसे नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने गलती से 70 पढ़ के लिख लिया था, ठीक है, 75 रुपये के हिसाब से, तो अपन ने लिख दिया, अब अपन टोटल कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमको पता पड़ता है कितने रुपए होते हैं 675, इधर के कितने होते हैं तो 2700, और थर्ड नंबर पे हमारे पास कितने रुपए हैं 1440, तो टोटल करते हैं 1440, तो अब अपने पास आता है टोटल 6, 4, 10, 17, 18, 1, 2, 3, 3, 8, 1, 5, 3 और 1, 4, ठीक है, तो हो जाता है कितना 4815, तो अब अपन को मालूम पड़ जाता है टोटल ऑफ परचेज बुक कितनी हो जाती है हमारे पास 4815, और दैट्स इट, इससे अपन अकाउंट को क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं, सॉरी अकाउंट नहीं बुक को मैच कर देते हैं। अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप होमवर्क में कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऐसा बोल रहा है हमको, परचेज फ्रॉम जोशी एंड, आपको मोहन का परचेज बुक बनाना है, परचेज फ्रॉम जोशी एंड कंपनी 5 dozen फाउंटेन पेन एट द रेट ऑफ ₹13 पर डजन, ठीक है, तो हमने कितने डजन परचेज किए 5 dozen, देखो यहाँ पे यूनिट देखो 5 dozen है और यहाँ पे जो वैल्यू 39 रुपये वो भी डजन के अकॉर्डिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 5 dozen परचेज किए, 1 dozen में 39, 1 dozen की वैल्यू 39 है, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 5 अल्टीमेटली आपको जो रुपये आएंगे वो आप डायरेक्ट नेट अमाउंट में लिख दोगे। नेक्स्ट 2nd of January को परचेज फर्नीचर वर्थ ₹300 फ्रॉम नेशनल फर्नीचर। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि आपने क्या कर रखा है, फर्नीचर जो परचेज कर रखा है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है, फर्नीचर परचेज कर रखा है। पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये डील किसके अंदर करते हैं, ठीक है, फर्नीचर में डील करते हैं या फिर ये पेन वगैरह में डील कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता पड़ता है कि ये जो पर्सन है, पर्सन जो है वो पेन पेंसिल रबड़ में ही डील करते हैं, मतलब पेन वगैरह में डील करते हैं, तो फर्नीचर परचेज किया तो आप कॉमन सेंस लगाओ, फर्नीचर के अपने लिए गुड्स है क्या, नहीं, इट वुड बी और असेट्स, और असेट्स की परचेज यहाँ नहीं आती है, अगर अपन ने क्रेडिट में असेट्स की परचेज करी है तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, बट अगर अपन ने कैश की कर रखी है तो कैश में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ये ट्रांजेक्शन आप नहीं लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला, परचेज 10 boxes ऑफ रिबिन फ्रॉम राम एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 30 पर बॉक्स, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर लिख देते हैं 10 boxes परचेज किए 30 के अकॉर्डिंग, तो 300 rupees का परचेज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अपन को बोल रहा है 4th को, परचेज 20 boxes ऑफ पेंसिल फ्रॉम गोविंद ब्रदर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर बॉक्स फॉर कैश, मतलब यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा था कि गोविंद का भी नाम दे रखा है, बट एंड में क्या बोल दिया उसने, कैश में किया है, तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में जाएगा, कैश बुक में, मतलब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन नहीं आने वाला, तो ट्रांजेक्शन जो 2nd of January को और 4th of January को है वो दोनों नहीं आने वाले। नेक्स्ट, परचेज 20 handkerchief फ्रॉम रमेश एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 2.25 पर पीस, मतलब अपन ने कितने परचेज किए 24, और एक की वैल्यू कितनी 2.25, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके अपन लिख देंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा।
क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर बोला रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड परचेज बुक। सिंपल सा बेटा ध्यान ये रखना कि अगर कोई कैश सॉरी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो वो अपन क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट निकलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर, कितने के आपने गुड्स को परचेज किया है उस पर निकलता है। तो नेक्स्ट अपन को बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, फ्रॉम दी फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ रामलाल। तो परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी 10 dozen ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ 40 per dozen, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में डजन बोला है, यहाँ पे भी वैल्यू डजन की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 dozen परचेज किया, एक पे 40 per dozen है। नेक्स्ट सिंपली लिख दोगे, फिर परचेज फ्रॉम रतन बुक स्टोर्स 10 books worth ₹500। हमने 10 books परचेज की ऑफ ₹500, मतलब हमको ये बोला है कि सबकी वैल्यू 500, तो डायरेक्टली लिख देंगे। नेक्स्ट परचेज 20 boxes ऑफ रिबन फ्रॉम आर्य भट्ट एंड सन्स एट द रेट ऑफ 40 per box, मतलब हमने ₹40 के अकॉर्डिंग 20 boxes को परचेज किया, तो सीधे लिख देंगे 20 box परचेज किया, एक बॉक्स की वैल्यू ₹40 थी, तो टोटल ₹800 हो जाते हैं। नेक्स्ट परचेज 3 dozen पैड्स एट द रेट ऑफ ₹10 per फ्रॉम गोविंद ब्रदर्स, तो अपन ने गोविंद ब्रदर्स से 3 dozen परचेज किया 10 के अकॉर्डिंग, तो 30 लिख देंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। तो ये सब सिंपल है, बस ये है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट परचेज 50 dozen रबर्स फ्रॉम सुरेश एट 4 per dozen, मतलब ₹4 के अकॉर्डिंग एक डजन के हमने 50 dozen परचेज किए, तो अपन सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख देंगे। ये चीज़ आप होमवर्क में कीजिएगा, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन में दे रखा है, सारी एंट्रीज आ जाएंगी, मतलब कोई भी कैश से रिलेटेड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में सेल्स बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि आपको ट्रांजेक्शन लिखने हैं परचेज बुक में, ठीक है। तो अब उसने बोला है परचेज फ्रॉम शरण ब्रदर्स एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब अपन ने सारा का सारा अमाउंट जो है वो सॉरी सारा का सारा जो गुड्स परचेज किया उस पर हमको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लिख देते हैं परचेज फ्रॉम शरण ब्रदर्स, तो हेडिंग में क्या डाल देंगे, शरण ब्रदर्स, मतलब यहाँ पे नाम आ जाएगा किसका, शरण ब्रदर्स का। नेक्स्ट उसने बोला है कि हमने क्या करा है, सबसे पहले 15 पराग साड़ीज परचेज कर रखी है एट द रेट ऑफ ₹300 per saree, कोई दिक्कत नहीं है। 50 saree परचेज की 300 के अकॉर्डिंग, तो 15 × 300 वुड अल्टीमेटली गिव यू 4500, ये सो नो 15 × 3 = 4500, मतलब 4500 की साड़ी परचेज की। नेक्स्ट 25 rupali साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹250 per share, तो अपन लिख देंगे बी नंबर पे, मतलब ए नंबर पे लिखेंगे फिर बी नंबर पे लिखेंगे, तो ए नंबर पे हमको मिली 4500 की साड़ीज और बी नंबर पे हमको मिली है सेकंड साड़ी कौन सी थी, फिर 25 साड़ी परचेज की 250 के अकॉर्डिंग, मतलब 6250 की अपने क्या करी साड़ी परचेज की, तो ये दोनों अपन क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए। तो दोनों का टोटल आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका ट्रेड डिस्काउंट देंगे। याद रखिएगा कि दोनों का टोटल करके ही ट्रेड डिस्काउंट देना है, इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट आपको नहीं देना है। अमाउंट सेम आएगा, इंडिविजुअल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने टोटल परचेस पे ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे बोला ना उसने ऐसा। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10th of January को परचेज फ्रॉम अरुण ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब दिक्कत ये हो जाती है कि अच्छा यहाँ तो ट्रेड भी दे रखा है, क्रेडिट भी दे रखा है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में हमको कंसिडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन ने हमको क्या बोल रखा है, परचेज फ्रॉम अरुण ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम ध्यान में रखेंगे सिर्फ यही वाली चीज़, क्या कि हमको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट नंबर पे बोला है सिल्क क्लॉथ परचेज किए 500 के, वुलन क्लोथ्स परचेज किए 1500 के, कॉटन क्लोथ्स के लिए 2500 के, मतलब अपनी टोटल परचेज कितनी हो गई 4500 की, कितनी हो गई 4500 की, ठीक है। तो अपन 4500 में से कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, 50% का, यानी कि 450 का ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, दैट्स इट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और टोटल इसको कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन सेल्स बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।